हेलो, अब मैं फाइनली पैकिंग करने जा रही हूँ, लाइक पैकिंग शुरुआत करने जा रही हूँ पैकिंग की। तो सारी हाँ, और सारी चीजें तो मैंने पहले से ही कलेक्ट करके रखी थी। आई थिंक मैं दो दिन पहले से मैंने सारी चीजें कलेक्ट करके रखी हैं, बट अभी तक मैं पैक नहीं किया। तो मैं पहले जितनी मेरी ड्रेसेस है वो पैक कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं टिम टिम की ड्रेसेस पैक करूँगी। तो मैं आपको प्रॉपर पैकिंग नहीं दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे पैकिंग करती हूँ, मैं बस थोड़ा बहुत ऐसे ग्लिम्स दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आई थिंक नवंबर में एक वीडियो मेरे मेन चैनल पर डाला था कि मैं कैसे पैकिंग करती हूँ जब मैं टिम टिम के साथ ट्रैवल करती हूँ। तो वो वीडियो की लिंक दे दूंगी नीचे, अगर आपको देखना होगा तो देख लेना। मैं पूरी चीज़ें अभी एक एक चीज़ें नहीं दिखाऊंगी पैकिंग करते टाइम। तो मैंने वो प्रॉपर वीडियो बनाया कि अगर आप बच्चे के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें रखना चाहिए अपने हैंड बैग में एंड ऑल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है मेरा बैग, अब इसमें वन बाय वन सारी चीजें रखते हैं। सबसे पहले वो जो मैंने मेरी मदर इन लॉ के लिए साड़ी ली है, ये मैंने आपको दिखाई नहीं थी ना, ये कुछ इस तरीके से है ये साड़ी, ऑरेंज कलर की, और इसमें पल्ले में यहाँ पे टैसल्स लगे हुए हैं। हाँ, जो पता है टैसल्स आपको पता है, ये है साड़ी नंबर वन। एंड मैंने एक और साड़ी ली उनके लिए, वो है ये थोड़ा सा सिल्क टाइप का इसका मटेरियल है, और इसमें भी यहाँ जो इसका पल्ला है उसमें टैसल, आजकल ये बहुत ज्यादा फैशन है। और ये पॉम्पी पॉम्पी है, जो अब दो पॉम्पी पॉम्पी। मैंने दो कुर्ते रख लिए विद लेगीज, देन इसके बाद में मैं मेरे जो गाउन है वो रखूंगी, और ये हाँ वो रखेंगे हम बाद में। ये साड़ी ले जा रही हूँ मैं, तो मैंने एक्चुअली क्या किया है, साड़ियों के साथ में ब्लाउजेस कर करके ऐसे कैरी बैग में रख लिया है, ताकि थोड़ा भी इधर उधर मिक्स एंड मैच ना हो। देन मैं ये एक और साड़ी, मैंने ये एक और रखा है अपने लिए, ये क्या है, कॉटन का व्हाइट कुर्ता है, और इसके ऊपर में मैं ये दुपट्टा, सिल्क टाइप का एक दुपट्टा है, बहुत प्यारा सा कलर है, ये लूंगी, और नीचे व्हाइट लेगी, तो एक ये भी रख लेगी मैं। अभी ये जो इधर एरिया बचा है ना, यहाँ पर मैं अंडरगार्मेंट्स वगैरह रख लूंगी, और ये जो अब ऊपर वाला ये पोर्शन है इसमें मैं पूरा टिमटिम का सामान रखूंगी। कपड़ों की पैकिंग हो गई है, ये देखिए। अगर आपको देखना है प्रॉपर कि मैं कैसे पैक करती हूँ, तो वो आप उस वीडियो में देखिएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए, बच्चों के कपड़े कितने सारे होते हैं, लाइक अराउंड 10 डेज के अकॉर्डिंग मुझे बाहर पहनने के अराउंड 8-9 ड्रेसेस रखना पड़ेगा, देन टी शर्ट्स बहुत सारी, लेगीज बहुत सारी, अंडरगार्मेंट्स बहुत सारे, बट ये टोटल 3 पैकेट में टिमटिम की पूरी ड्रेसेस आ गई हैं, क्योंकि इसको मैंने कुछ इस तरीके से पैक किया है, मैंने शेयर किया हुआ है बहुत ही अच्छे से। आप ऐसे जिप लॉक्स में पैक करके रखेंगे ना, तो वो अच्छी, मतलब बहुत कम जगह लगती है और बहुत अच्छे से पैक हो जाता है। लाइक इसमें टिमटिम की टी शर्ट्स और लेगीज है सारी, मतलब घर में भी पहनने वाली टी शर्ट्स, और खेलने जाना हो तो उसको भी। देन इसमें उसकी बहुत सारी न्यू ड्रेसेस हैं, सब मैंने पैर बना बना के रखा है, और ऊपर थोड़ी से अंडरगार्मेंट्स और हैंकीज वगैरह रखी है। एंड अगेन इसमें भी सारी न्यू ड्रेसेस हैं, और सब पैर बना के रखा है, और थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह जो घर में पहनने के होते हैं वो रखे हैं। बस 3 पैकेट्स में इसकी पूरी ड्रेसेस आ गई, और फिर उसके बाद में इस बॉक्स में मैंने इसकी सारी एसेसरीज रख ली है, मतलब कुछ क्लिप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, देन रबर बैंड्स रख लिए हैं, उसका एक गॉगल रख लिया है, एक वेस्ट बेल्ट रख लिया है, ये सारी चीज़ें। अब बस इसका टैंगल टीजर रखना है, और अब हमारा
स्किन केयर का पूरा प्रोडक्ट रखना है, तो वो सब मैं अब थोड़ा आराम से जा रही हूँ, मुझे किचन का काम करना है, वो सब करती हूँ। और स्किन केयर वगैरह का जो प्रोडक्ट्स रखूँगी उस पर मैं सोच रही हूँ एक अच्छा इंडिविजुअल वीडियो बना दूँ, तो वो भी आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो इतनी चीज़ें हैं फिलहाल जो पैक की है, बस बैग को मुझे पैक करना है, और कुछ चीज़ें ऑब्वियसली मैं भूल ही होंगी, वो सब भी जब याद आता रहेगा तब करूँगी, बिकॉज उधर टाइम है जाने में। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ, फिर हम बातें करते हैं। हेलो, मॉर्निंग में मैंने बात की थी आप लोगों से जब मैं ये सब पैक कर रही थी तब, और अभी इवनिंग हो गई है और जस्ट अभी मैंने एक वीडियो लाइव किया है व्लॉग चैनल पर, एंड मॉर्निंग में मैंने किया था मेन चैनल पर, और आई थिंक अब कल मैं मेन चैनल पर कुछ भी नहीं लाइव करूँगी, परसों करूँगी शायद। और अभी मुझे आप लोगों से क्या बात करनी थी, हाँ मुझे ये बोलना था कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मेरे इन-लॉज के यहाँ जा रही हूँ, और सिर्फ इन-लॉज के यहाँ ही नहीं, मैं जब मेरे मम्मी के यहाँ भी जाती हूँ तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, बहुत ही कम होता है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो इस बार भी होपफुली ऐसा ही होने वाला है कि मैं शायद व्लॉगिंग ना करूँ, या फिर शायद व्लॉगिंग करूँ, मुझे भी नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, मना है मुझे, ऐसा नहीं है, सब मेरे व्लॉग्स बहुत इन्जॉय करते हैं, सब देखते हैं, बट मेरा भी कुछ एक होता है ना, मैं थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ रहती हूँ, मतलब ऐसे ऐसी जगह पर व्लॉग करने से। सो मे भी हो सकता है कि मैं ना करूँ, या फिर मे भी हो सकता है कि मैं वॉइस ओवर वाला व्लॉग करूँ, नहीं मालूम मुझे। अगर मैंने किया, हम लोगों का वैसे थोड़ा प्लान है घूमने घूमने जाने का, अगर हम गए तो मैं ज़रूर करूँगी व्लॉग। होली के टाइम में क्या क्या बना रही हूँ वो सारी चीज़ें करूँगी मैं व्लॉग, ये सब तो सोचा है, बट नॉर्मल डेज़ के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मुझे। तो आप लोगों को मुझे ये बोलना था कि प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग, मुझे मालूम है आप लोग को मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट वो उस टाइम पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि व्लॉग्स ना आए, बहुत गैप हो जाए, क्योंकि व्लॉग्स मैं पहले से बनाकर नहीं रख सकती कि बीच बीच में जाते रहेंगे। हाँ मेन चैनल के वीडियोस मैंने बनाकर रख लिए हैं, बट एडिट वेडिट कुछ नहीं किया, सब वहीं जाके करूँगी, क्योंकि वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन वगैरह सब है, तो नेट का ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट व्लॉग्स पहले से बना करके रख लेने वाला केस नहीं रहता है, व्लॉग इंस्टेंट होते हैं कि कुछ दिन पहले आपने शूट किया और फिर वो आप शेयर करते हो। तो व्लॉग्स इस चैनल पर बहुत कम हो सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे बार बार आप लोग ऐसे मत बोलना कि दी व्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोग भी प्लीज़ समझना मेरी कंडीशन को, क्योंकि मैंने पहले ही क्लेरिफाई कर दिया कि उस वक्त व्लॉग नहीं रहेंगे। अब वापस आने के बाद मैं वापस से कोशिश करूँगी कि जैसे मैं बीच में बहुत कंसिस्टेंट हो गई थी वैसे ही होंगे, बट अभी इस बीच में थोड़े कम आ सकते हैं व्लॉग्स, वो भी मतलब ऐसा श्योर नहीं है, वो भी ऐसा बिल्कुल कन्फर्म नहीं है कि नहीं आएंगे, बट समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बस वही है, अभी बस मैंने एक व्लॉग लाइव किया, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा किचन वगैरह क्लीन करना है मुझे, पूरा आफ्टरनून के बर्तन, और मैं भी ऐसी हूँ ना, जो काम मेरे पास इतना है फिर भी मैंने किचन के कुछ डब्बे रख लिए वॉश करने के लिए, तो वो भी एक्स्ट्रा वॉश करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, तो अब वो सब जा रही हूँ क्लीन करने, देन चाय शाय बनाते हैं और फिर पीते हैं चाय। सो दिया बत्ती इज डन, और मैं आपको बता रही थी ना कि मैं चाम मुझे ज्यादा है, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा चीजें वॉश करने के लिए डाल ली, जिसमें कि ये देख रहे हैं आप, जो मेरा वो मसाला रखने वाला है ना 16 पीसेस वाला, ये आज मैंने नहीं पता कि मेरे दिमाग ही नहीं चला कि मेरे को इतना काम है, कोई जरूरत भी नहीं थी उसे वॉश करने की, बट मैंने आज ये वॉश करने के लिए डाल दिया। अभी जस्ट ये सब भी क्लीन किया, फिर उसके बाद में दिया वगैरह दिया बत्ती वगैरह की दे दें, एंड अभी चाय रखूंगी अपने लिए, बिकॉज अभी जस्ट हस्बैंड और मेहमान का भी लेट आएंगे, तो मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, अभी चाय पीऊंगी। ऑन कर दिया लाइट्स, इंट्रो एंड दिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब एक ही स्विच है वहाँ जिससे वो और जो ऊपर वाली लाइट एंड देन वो लैम्प, और फिर उसके बाद में
ये सब साथ में लाइए, चलते हैं। बस बनाती हूँ चाय यार। कल के ब्लॉग में, मतलब जो लास्ट ब्लॉग था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एक फन फेयर गई थी, तो वहां से टिमटिम के लिए कुछ वुड का टॉय लाई हूँ। मैंने बोला था मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो मैं अभी वही दिखाने वाला हूँ। मैं ये लाई टिमटिम के लिए। वैसे टिमटिम बहुत बड़ी हो गई है ये खेलने के लिए, बट वहाँ पे बहुत सारे टॉयज लाइक प्लास्टिक के वो सब टॉयज और वुड के भी थे, वो झुंझुना वगैरह, और ये था, और भी वुड के थे कुछ टॉयज। बट मुझे ना ये बहुत अट्रैक्टिव लगा, मुझे लगा थोड़ी देर तो टिमटिम इससे खेलेगी, और उस जब नहीं खेलेगी तब इससे घर बहुत सुंदर डेकोरेट होगा, लाइक बहुत सारे कलर्स ऐड कर देगा ये घर पे। सो इसलिए मैंने ये ले लिया। मुझे मालूम था मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, ये हार्डली 2 ईयर्स तक के बच्चों के लिए होता है, उससे बड़े बच्चों के लिए कोई यूजफुल नहीं होता ये, बट मैंने ले लिया। और टिमटिम ने खेला भी इससे, उसे अच्छा लगा। अच्छा लगा ना आपको टिमटिम को? ये अच्छा लगा, तो उसका जब मन करता है तब खेलती है, और नहीं तो फिर उसका मैं घर डेकोरेट करूँ। प्लास्टिक के टॉयज लाती, थोड़ी देर खेलती वो, और फिर वो टूट जाते, इधर उधर हो जाते, बट ये बहुत ही प्यारा है। और आपने देखा ही होगा कि लास्ट व्लॉग में उसको डॉल दिलाई थी मैंने, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि कुछ ऐसा पैसे खर्च करूँ ज़्यादा उसके टॉयज के लिए, तो इसलिए मैंने ये वुड का ले लिया। अच्छी लगती है वुड की चीज़ें बेटा। क्या हाँ, मुझे वुड की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लाइक वुड के टॉयज हो गए, वो जो किचन सेट वगैरह वुड का आता है, वो लूँगी मैं इसके लिए, लेकिन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अगर मैंने अभी ले लिया ना, लिया था क्योंकि मैंने शिरडी से लिया था जब मैं सेकेंड टाइम शिरडी गई थी ना तब, बट इसने 3-4 दिन में वो भी पूरे घुमा दिए, तो मैं अच्छे वाले लूँगी, लेकिन थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, उसके बाद में मैं इसके लिए प्रॉपर जो वुड का किचन सेट आता है ना वो भी लूँगी। बेटा क्या कर रही हो टिमटिम? वो घूम जाएगा ना, यहीं पर रखो, बैठ जाओ, सिट। आओ क्या हो गया? और बस अब मैं जाऊंगी डिनर प्रिपेयर करने के लिए। हम लोग बस ऐसे ही बैठ के थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह देखते थे, फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे बताना था इस, और मेरे पूरे नेल्स टूट गए, बस ये 2 बचे हैं, तो मैं इन दोनों को भी आज काट के और नेल पेंट लगाऊंगी अच्छी सी कोई सी। मैं भी लगाऊंगी। हाँ ठीक है, आप भी लगा लेना। हेलो, और डिनर वगैरह मैंने बना लिया, खा भी लिया, और अभी बहुत लेट नाइट हो रही है एक्चुअली। अभी बज रहे हैं 11:47, और मेरे घर में सब सो चुके हैं, बस मैं आ गई हूँ। और टिमटिम भी आज इतने जल्दी इसलिए सो गई बिकॉज वो आज आफ्टरनून में नहीं सोई थी। और मैं क्या कर रही हूँ जाग करके, मुझे पहली चीज़ तो नींद नहीं आ रही थी, दूसरी चीज़ 2 दिन में निकलना है, एंड अभी तक के मेरी पैकिंग, क्योंकि आप लोगों ने मेरा मतलब अगर आप लोगों ने मेरी इसके पहले की पैकिंग्स कभी देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कितनी चीज़ें पैक करती हूँ। लाइक हर चीज़ मुझे प्रॉपर सेग्रीगेट वे में चाहिए, कि टिमटिम की ये चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, वो चीज़ें वहाँ होनी चाहिए, अंडरगारमेंट्स इधर दबे रहने चाहिए, और टॉवल इधर रहना चाहिए, और अगर कुछ ज्वेलरी ले जा रही हूँ, वैसे तो मैं बहुत ही कम ज्वेलरी वगैरह ले जाती हूँ, अगर ले जा रही हूँ तो इस बार नहीं ले जा रही, तो वो इधर होना चाहिए। मेकअप का एक अलग पाउच, स्किन केयर का एक अलग पाउच, टिमटिम के स्किन केयर का और हेयर केयर का अलग, तो ये सब मैं हमेशा करके ले जाती हूँ, बट इस बार मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सोची अब लेट नाइट जग करके ही मुझे ये सब करना होगा। सो टिमटिम का ये बड़ा सा शैम्पू का डब्बा है जो कि टॉप टू टो है वाओ का, तो इससे क्या है शैम्पू के साथ साथ बॉडी वॉश वगैरह सब हो जाता है, तो हम लोगों का तो शैम्पू चलो चल जाएगा, बट टिमटिम का मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा उसका इतना बड़ा डब्बा रखने से अच्छा छोटे से डब्बे में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये मैंने किसी वेबसाइट से मंगवाया था, पूरा वो ट्रैवल पैक आता है नहीं छोटे वाले, जिसमें सारे छोटे छोटे डब्बे होते हैं कि क्रीम्स और शैम्पूस और टोनर्स वगैरह ट्रांसफ़र करके ले जाने के लिए, तो मैंने सोचा शैम्पू इसका बहुत बड़ा डब्बा है, इतना बड़ा ले जाऊंगी तो फिर तो हो गया मेरा काम, तो इससे अच्छा इसमें ले जा लेती हूँ। तो इसकी सोप का काम भी इसी से हो जाता है, शैम्पू का काम भी इसी से हो जाता है। ये एक्चुअली मैं आई थिंक लास्ट 1 मंथ से उसका यूज़ कर रही हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, रिफ्रेशिंग, ग्रीन एप्पल का, ये वाओ ब्रांड का है। वाओ ब्रांड ने एक्चुअली सेंड किया था मुझे टिमटिम को यूज़ करके आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, बट मैंने इसमें अभी तक के इंडिविजुअल वीडियो ही नहीं बनाया, बनाऊंगी वापस आ करके। सो अच्छा लगा मुझे ओवरऑल ये, क्योंकि इससे ना बालों में मुझे उसकी थोड़ी सी लाइक थोड़ी सी सॉफ्ट लगते हैं मुझे उसके बाल, क्योंकि
क्योंकि बहुत दिन से मैं चीको का यूज़ कर रही थी। चीको का भी अच्छा है, इतना सफिशियंट है, जितने दिनों के लिए मैं जा रही हूँ ना उतने दिनों के लिए उसका हेयर वॉश भी हो जाएगा एंड बॉडी वॉश भी थोड़ा और रख ही लेती हूँ ना कभी कम पड़ गया तो। वैसे घर में तो सिर्फ दो पंप में ही हो जाता है, यहाँ पे तो हो जाएगा इतने में। हाँ सो टिमटिम का शैम्पू एंड एवरीथिंग यही है। सो अच्छा है, अगर आप लोगों को आपके बच्चों के लिए ट्राई करना होगा तो ये कर सकते हैं, वाओ का 3-in-1 टिप टू डो वॉश, जो कि शैम्पू प्लस कंडीशनर प्लस बॉडी वॉश सब कुछ है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, आपको अमेजन वगैरह मैं इसके लिंक दे दूँगी नीचे तो आप देख लेना, अमेजन पर्पल हर चीज़ में मिल जाएगा। अच्छा है वैसे, ट्राई कर सकते हैं और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा बिकॉज मुझे भी अच्छा लगा इसका। हाँ खुशबू बहुत अच्छी है एंड कंडीशनर भी है। मैंने टू बी फ्रैंक मैंने अभी पढ़ा कि वहाँ पे कंडीशनर है, मुझे बस ये था कि टॉप टू टो शैम्पू और बॉडी वॉश है बट इसमें प्लस कंडीशनर भी है, तभी मैं सोचूँ कि उसके हेयर बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से क्यों लगते हैं जब मैं इसे यूज़ करती हूँ तो। अच्छा है, नो पैराबिन, नो सल्फेट और नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकन, नो कलर। लिंक दे दूँगी इसकी तो आप देखना अगर आपको भी लेना होगा तो। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, शैम्पू हो गया, ये सारी मॉर्निंग से बाहर ही रखी है। मुझे एक्चुअली रेड ब्लाउज चाहिए था, मेरे पास एक रेड ब्लाउज है जो कि स्लीवलेस है तो स्लीवलेस नहीं ले जा सकती मैं वहाँ, मतलब अनकंफर्टेबल होगा मुझे पहनने में, तो मुझे मेरा ऊपर जो बैग रखा है उस रूम में उसमें रखा है मेरा एक और रेड ब्लाउज। सो मुझे आज वो उतरवाना था बट टाइम ही नहीं मिल पाया सो इसलिए ये साड़ी ऐसी रखी हुई है। अगर मिला रेड ब्लाउज तो ही ये साड़ी ले जाऊँगी, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। मैंने इसका ब्लाउज ही नहीं सिलवाया, इसका भी ब्लाउज आया है साथ में बट मैंने वो सिलवाया ही नहीं और अब मेरे पास टाइम भी नहीं है सिलवाने का। एक्चुअली बहुत लाइट है ना, कहीं घूमने फिरने जा रहे तो ऐसी पहन ले तो अच्छी लगती है, उसके मैंने सोचा था कि रख लूँगी और मैंने ये पहन लिया शाका पोला। और जो भी मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं मुझे ज़रूर बताना कि मैंने ये सही पहना है कि गलत पहना है। कोई बोलता है रेड वाला पीछे पहनते हैं, वाइट वाला आगे पहनते हैं, कोई बोलता है वाइट वाला, हाँ मतलब कहीं मैंने गलत तो नहीं पहना है, ये मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना सो दैट अगर मैंने गलत पहना होगा तो मैं ठीक कर लूँगी। और वॉट, मैंने अभी तक और अभी अपना कुछ भी पैक नहीं किया है एक्स्ट्रा लाइक मेकअप और स्किन केयर वगैरह, वो मैं अभी करूँगी रात में ही कर लूँगी ताकि कल का दिन भी मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, फ्री मिलेगा। और मैं क्या क्या ले जा रही हूँ इस पर वीडियो में वहाँ जाने के बाद ही बनाऊँगी क्योंकि अभी मेरे पास जाने से पहले तो टाइम नहीं है, तो वहाँ जाने के बाद में मैं आपको बनाऊँगी वीडियो, व्हाट्स इन माई बैग काइंड ऑफ वीडियो। और ट्रैवल के टाइम में स्किन केयर के लिए क्या क्या स्किन केयर किट असेंशियल, ये सारी चीज़ें इन पर मैं वीडियो वहाँ जाने के बाद बनाऊँगी, अभी से तो नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा था कि ये वाले ब्लाउज को इसके ऊपर चला लूंगी बट वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये वाला रेड है ना ये इसमें कहीं है ही नहीं, होता ना अगर थोड़ा भी ये वाला एकदम डिफरेंट सा रेड तो ये ब्लाउज इसके ऊपर चल जाता बट ये नहीं चल पाएगा। ऐसे ब्लाउजेज होने चाहिए, ये बहुत सारी साड़ियों पर चल जाते हैं बट मेरी इस पर नहीं चल पा रहा। चलो ठीक है, मैं मेकअप वगैरह पैक करती हूँ, उसको ले जाके वापस बाथरूम में रखती हूँ, आती हूँ मैं थोड़ी देर से। तो मैंने कर लिया मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, मैंने जो लिप बाम लगाया ना वो इतना पिगमेंटेड है, इसको क्लीन करके दूसरा लगाऊंगी अभी बिकॉज जब इतना पिगमेंटेड है तो मैं इतना पिगमेंटेड लगा कर रात में नहीं सो सकती हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें अभी कलेक्ट की मैंने ले जाने के हिसाब से। मैंने आप लोगों को ना एक चीज़ जो नहीं दिखाई थी, दिखाती हूँ क्या, 14 फेब को मुझे एक्चुअली गिफ्ट मिला था बट उस टाइम पर मतलब इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, माहौल नहीं था कि मैं ये शेयर करती आपके साथ में, तो इसलिए मैंने तब नहीं किया शेयर। बट अभी मैं निकाल रही थी इसमें से एक पीस रखने के लिए सो आई थॉट अभी दिखाती हूँ। तो ये बेसिकली ये बेसिकली परफ्यूम शॉट्स हैं, टोटल 7 शॉट्स आए थे जिसमें से एक मुझसे फूट गया और 6 बचे हुए हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जो प्रीमियम परफ्यूम्स होते हैं ना हायर एंड वाले, उन सारे परफ्यूम्स के शॉट्स होते हैं ये, लाइक उन सारे परफ्यूम्स के सैम्पल पीसेज होते हैं ये। देखिए आप जितने भी हायर एंड
परफ्यूम्स हैं, प्रीमियम परफ्यूम्स हैं उनके, और ये एक ऐसा केस आता है परफ्यूम केस जिसमें कि आपको इनमें से जो भी यूज़ करना है, फिलहाल मैं अभी एक यूज़ कर रही हूँ, बताती हूँ आपको। हाँ, जैसे ये वाला मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें से आपको जो भी यूज़ करना है इस केस में उसको डाल करके और आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी सोच रही थी कि कोई सा परफ्यूम चेंज करूँ मैं कुछ लेकर के जाने के लिए, सो वही मैंने ये निकाला, तो मैंने सोचा उस टाइम पर मैंने आपको नहीं दिखाया था बिकॉज उस वक्त कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो बीच में मैंने ये शेयर नहीं किया था। ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा अभी बताती हूँ आप लोगों को। अच्छा लग रहा है ये भी। हाँ, मतलब ये इसमें विमेंस के भी आते हैं, मेन के भी आते हैं और शायद कंबाइन भी आते हैं, तो मेरे पास तो विमेंस वाला ही है। लाइक इसमें से सारे यूज़ करो, जो परफ्यूम आपको पसंद आए, ये वाला अच्छा लग रहा है। ये है लुईस कार्डन का कंपैशन, उसका सैंपल पीस है ये। इसके पहले मैं यूज़ कर रही थी वो टाइटन का स्किन यूज़ कर रही थी मैं, बट उसमें मुझे उतना मज़ा नहीं आया। और उसके भी पहले मैं बुलगारी आई डोंट नो उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, उसका रोमन एडिशन यूज़ कर रही थी जो कि बहुत अच्छा था, लाइक बहुत अच्छा। बट अभी वो फ़िलहाल बहुत मुझे महंगा लग रहा था और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इतना अच्छा, मतलब उतना महंगा लूँ, बट नो डाउट उसकी जो फ्रेगरेंस थी ना उसके कंपेरिजन में ये सब नहीं आते कहीं भी, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस थी उसकी। बट वो अभी फ़िलहाल ना कुछ 5000 के आसपास था छोटा सा बॉटल, तो मैंने सोचा अभी वो नहीं लूँगी मैं, क्योंकि इतना महंगा मैं परफ्यूम पे नहीं खर्च कर सकती, मन नहीं मानता जो इतना महंगा परफ्यूम लेने का। सो मुझे यही दिखाना था आप लोगों को, तो ये वाला सिलेक्ट कर लिया मैंने, अभी से मैं अपनी हैंड बैग में रख लूँगी। हैंड बैग दिखाती हूँ मैं कौन सा ले जा रही हूँ, ये वाला हैंड बैग मैं ले जाऊंगी इस बार, दिस वन। ये मेरे हस्बैंड जब जर्मनी गए थे तब मेरे लिए लेकर के आए थे वहाँ से गिफ्ट, सो ये बस मैंने रखा है, तो आज सोचा ये वाला ले जाती हूँ। मुझे आपको मेरा हैंड बैग कलेक्शन भी दिखाना था, अब मैं वहाँ से रिटर्न होंगी तब दिखाऊंगी आपको मेरा हैंड बैग कलेक्शन। एंड लास्टली वन मोर थिंग मुझे बोलना था कि मैंने आज ही अनाउंस किया मेरे विमेंस डे गिव अवे के जो 4 विनर्स थे वो, और उनमें से 2 के एड्रेस मुझे आ गए हैं अभी तक के और 2 के एड्रेस नहीं आए हैं। तो अगर मुझे कल तक के आ गए दोनों के एड्रेस भी, तो मैं चारों के जो गिफ्ट्स हैं वो कल ही शाम तक डिस्पैच कर दूंगी, और अगर कल मुझे नहीं आए वो दोनों एड्रेसेस तो फिर अब मैं वापस जब आऊँगी मेरे इन लॉज के यहाँ से उसके बाद में मैं आप लोगों को पोस्ट करूंगी। तो बिल्कुल पेशेंस रखना, मेरे पास ही ये सारी चीज़ें, जब मैंने बोला है कि मैं भेजूंगी तो ज़रूर भेजूंगी, बट थोड़ा डिले हो सकता है। और दो अगर मुझे चारों एड्रेस कल तक मिल गए तो फिर मैं ज़रूर कल शाम को ही डिस्पैच कर दूंगी, नहीं तो फिर मैं ये मार्च एंड में डिस्पैच करूंगी अपने पास से। तो ये मुझे बताना था, नहीं तो क्या होता है ना विनर्स बहुत पैनिक मचाने लग जाते हैं कि लाइक हमारा अभी तक सामान नहीं आया दी, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, सारी चीज़ें मेरे पास में हैं और मुझे ही डिस्पैच करनी है, तो इतना भरोसा तो होना चाहिए आप लोगों को। तो मैं मार्च के एंड तक डिस्पैच करूँगी, उसके बाद आपको अप्रैल स्टार्टिंग में मिल जाएगा। मैंने वही सोचा मैं बता दूँ, क्योंकि नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी, और क्योंकि अब जाना है, नहीं जाना होता तो मैं जल्दी डिस्पैच कर देती, बट अब जाना है तो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, थोड़ा गलत टाइम पे अनाउंस हो गया ना। वैसे बहुत जल्दी और भी बहुत सारे गिव अवे आने वाले हैं, बिल्कुल भी सैड नहीं होना जो भी मिस कर गया ये गिव अवे, क्योंकि अब मैंने सोचा है मेरे पास जो इतने सारे सामान हो जाते हैं मैं सबको गिव अवे करते जाऊँगी, क्योंकि रखने से और एक्सपायर डेट हो जाती है और वो चीज़ें वेस्ट हो जाती है, इससे अच्छा कोई यूज़ कर ले। मैं खुद कितना करूँ और मेरे मतलब जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको कितना दूँ, तो इसलिए मैं सब गिव अवे करती जाऊंगी, अब मैंने ऐसा सोचा है। सो थोड़े थोड़े टाइम में गिव अवे होगा। चलिए इतनी थी आज की बातें, इतना ही था ये व्लॉग, छोटू सा होगा आई थिंक, कोई बात नहीं, कोशिश करूंगी जाने से पहले एक और व्लॉग देखा जाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में,
मुझे ये वहाँ मुझे ये भी बोलना था कि मेरा शायद जाना थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है, लाइक एक आध दिन पोस्टपोन हो जाए, बिकॉज मेरा जो वुडवर्क वाला काम था वो अभी तक नहीं हुआ है. कल बोला है उन लोगों ने आके कल फाइनल कर देंगे, लेकिन अगर कल तक नहीं हुआ तो फिर मैं मुझे एक दिन और पोस्टपोन करना पड़ेगा. एंड थैंक गॉड कि यहाँ से डायरेक्ट बस चलती है जो मेरे इन लॉज के यहाँ तक जाती है, लाइक सेम सिटी टू सिटी. तो अगर मेरा इनकेस कैंसिल होता भी है तो मैं उस बस से चली जाऊँगी, तो मेरी ये पूरी तैयारी वेस्ट नहीं होगी. तो अगर कल वो आ गए कारपेंटर्स और कर दिया तो मैं अपने डिसाइडेड टाइम पर ही जाऊँगी, और अगर नहीं आए तो मे बी मेरा एक दो दिन पोस्टपोन हो सकता है जाना. देखते हैं, आई होप आ जाए, हो जाए, क्योंकि मेरा भी ना पूरा घर मैसी पड़ा है यार. आप खुद सोचो, जब घर पे कारपेंटर का वर्क चलता है, मेरी पूरी बालकनी लकड़ियों से और जो लेमिनेशन वाली चीज़ें उनसे भरी पड़ी है, किचन का सामान इधर उधर पड़ा है, सब कुछ बहुत मैसी हो जाता है. तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से हो जाए. चलिए ठीक है, अभी ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ. मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा सोऊंगी, थोड़ा क्या फाइनली सोऊंगी, क्योंकि एक के आसपास हो गए. मुझे नेल पेंट भी लगाना था और मैं कल लगाऊंगी नेल पेंट. ये अकेले दो बचे हैं इनको भी काट दूंगी ताकि सब एक से हो जाएंगे. चलिए ठीक है, फिर चलती हूँ मैं, कल मिलते हैं हम नए ब्लॉग के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय.